कांग्रेस तक को शिवाजी और अनिता मल्लिका होगी सबसे ज्यादा वोट लीजिए। सबसे ज्यादा वोट तो साम हल्के के खापड़वास गांव के अंदर हमारी टीम भाई दोबारा से पहुंच चुकी है। पिछली वीडियो आपने देखी कि जो लोगों का रुझान है वो किस पार्टी को लेकर के है, क्योंकि तोसाम के अंदर खलबलियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग जो हैं वो अपने नेताओं के कार्यक्रम, अपने नेताओं के प्रोग्राम जो हैं वो अपने घर पर करवाने लगे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का गढ़ रहा है, पिछली वीडियो में हम बताते रहे, और आपको ही पता है कि तोसाम हल्का चौधरी बंसीलाल जी के वजह से जाना जाता है, और उसके बाद की राजनीति के अंदर हर समय समय के ऊपर बदलाव होता रहा है। लेकिन अब की बार जो बदलाव हुआ है उससे लोगों के अंदर क्या कुछ रुझान है वो लोगों से जानते हैं। यहाँ कुछ लोगों की टीम बैठी हुई है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ करना होगा। पहले तो राम राम कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। सारा राम राम। और ठीक ठाक ताऊ जी? तो चुनावी समीकरण किए लाग रहे हैं अब की बार, क्योंकि वोट का टेम आ लिया, डेढ़ महीना रह रहे हैं। वोट आए, टिकट कौन मिले भाई? टिकट तो कौन मिले? टिकट तो हम दोगे, जिसने वोट दोगे, जिसका रुझान तो लल्ला फोन आ रहा है जी। राजवीर लल्ला दे ले। राजवीर लल्ला फोन आ रहा है। कौन सी पार्टी? तो कौन सी पार्टी तो उठे हैं भाई? कांग्रेस तो उठ दोगो। कांग्रेस तो उठ, कांग्रेस तो ओरा का गणा है का नाम चल रहा है। अनिता मलिक न्यारी, अनिरुद्ध चौधरी न्यारो, इन ओ प्रधान जी न्यारा, कोशा कोशा दिया बता रही। इन्हें उसने अनिरुद्ध खड़े हो रहा, इन्हें दो और खड़े हो रहा है, एक यो खड़े हो रहा है। वीर है वो पर क्या? अच्छा गुरग वीर शर्मा। तो आपको रुझान कितना है? आमी तो ध्यान लल्लन है। अच्छा लल्लन दो चुनाव लड़ो। आप लालन वोट दोगा? क्योंकि राजनीति तो दूरे है, वोट काटने खातर जाने जा हमने तो ना वोट खातर को नहीं। कांग्रेस ये किसानों के साथ थी ना, इस कारण से उनका रुझान उस टाइम उस साइड में। मतलब एक बात समझ में कुनियारी, जैसे लाला का नाम ले दिया था हमने, धर्मवीर का भाई है क्यों? चौधरी धर्मवीर भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, उसको भाई कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल को परिवार एक बीजेपी में, एक कांग्रेस में, बावड़े क्यों करो रहे लोग? बावड़ा तो या बावड़ा कर रखा है पब्लिक, पब्लिक बावड़ी मतलब लोग और कौन मिला था हमने? एक जगह तो कौन दिया? मतलब देना था हमने उन्हें नहीं, लालन दे दिया, धर्मवीर ने दे दिया, किरण ने दे दिया, अनिरुद्ध ने दे दिया, बराबर बात को आओ तो कौन कोई और नया चेहरा कोई आओ को नहीं। अच्छा अरे भाई साहब, तो लाल का कोई काम बताओगा जिससे 5 साल मनु लग गया हो भैया हमारे खतरे सही है? करे को नहीं, वो किसानों के साथ कांग्रेस उस टाइम जुड़ रही थी ना, आगे उस कारण से कोई भी कांग्रेस ज्यादा रुझान उस साइड में होगा। लेकिन लाल का रुझान है के कि मतलब धर्मवीर वाला वोट से कि थोड़ा बहुत वो होगा नहीं, इस करके ज्यादा से लाल का पर्सनल वोट भी है भाई। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत पर्सनल गल ने वोट कर जाया करता, फिर जाया क्यों गोल करता? लालो निर्दलीय उठो जी दे गणाया था वोट। अच्छा मारे गांव तो जिताई काटो था, हमें जीत भी खापड़ वास्ती स्पेशल मतलब बिल्कुल नहीं। कांग्रेस से टिकट उसने मिल गई ना, और चुनाव लड़े वो तो। अच्छा कांग्रेस से टिकट और किसी ने मिल गई तो तारो काम मलिक ने मिल गई तो उसका जीती, अनिरुद्ध ने मिल गई तो उसका जीती। हम जाएंगे कांग्रेस में। हां कौन सा आ जाओ कैंडिडेट? अच्छा भाई साहब राम राम। आपका क्या विचार है, आपका क्या कुछ कहना है? मतलब कांग्रेस में 70 कैंडिडेट हैं, मजबूत कौन सा है कि बियो आ जाए तो बोलो उसका? यही बताऊं वही है। आप भी कुछ अपना विचार बताओगे? हाँ जी राम राम। राम राम आपका कौन सा विचार है, किस पार्टी में ज्यादा जोर दे रहा हो? ये मेरे माच से इनके साथ शामिल था सारे। हाँ जी भाई साहब। गाम राम कह रहा, उड़ो वोट कह रहा हूँ भाई। गाम राम तो क्यों है? गाम राम तो भाई गाम राम उन फूके आओ है, जन्मदिन हो जाए डीजे बजा ले हैं तो भाई चौकीदार गाम का गिल्ली है नहीं, गाम कह रहा उड़ो गेरना पड़ो भाई। लेकिन काम पर तो होता होगा वोट है तो काम के ऊपर गहरी कहानी हो गई। बावड़ा थोड़ी है यार, काम किसको? काम किरण ने काम उन करेगी इसे लिए काम भाई करेंगे उसने वोट दिया। किरण किरण ने काम उन करेगी भाई, गांव जाना रही हो काम जाना इनको। अब जी एक बात पूछ लूं? क्यों नहीं, जिस तरह आमी घुमा है गामा गामा। अच्छा जी कांग्रेस तो फिलहाल 90% मतलब उम्मीदवारी अनिरुद्ध चौधरी की ज्यादा बता रहे हैं, और बीजेपी पार्टी तो किरण चौधरी की छोरी श्रुति चौधरी का ज्यादा बता रहे हैं। अनिता मलिक ने चुनाव मतलब जैसे बीजेपी पार्टी ने छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया है, हो सकता है उनको भी टिकट मिल जाए। अगर इन में से ज्यादा मजबूत अपना कौन लगा? मजबूत का पता नहीं जी, हम तो ये बड़े भाई जो कह रहे हैं इनके साथ ही हैं, जो ये जहाँ जाएंगे सारा मतलब एक तरफ हम और मारो एक ही परिवार है हमारा। कोई खास तो बताओ इस वजह तो खास तो ये बड़े भाई बता रहे हैं, उनसे पूछ लो खास क्या चीज है। कांग्रेस की ज्यादा वोट आया था। अच्छा
पहले बीजेपी का ज्यादा आया करता, अब की बार कांग्रेस की ज्यादा थी। उसी बीजेपी की किस वजह से रोष है, किरण चौधरी के जाने से है या नहीं? किरण चौधरी का जाने से है। छोटगी चली गई, उसने वर्कर की मीटिंग एक ओनली अचानक फैसलो लियो तो वहां तड़का और भी किसी जांच के है, बीएसपी में जांच के है और किसी जांच के है, हमें उसने बिछौने दिया कर दिया। बिल्कुल मणि कौन था ये कौन था? हाँ जी भाई साहब, कांग्रेस के कोई कैंडिडेट राजी हुआ हमें उसके साथ। हाँ जी, किरण चौधरी के जाने से हमारे अंदर रोष है क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया। आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई बात तो देख जायज है यार, नूइन के पीछे पीछे बदल दे किस तरह रहा, पार्टी के लिए तो रहना ही पड़ा है। कांग्रेस की वोटा मन बना रखा है तो कांग्रेस के देन का है, कैंडिडेट चाहे कोई भी आओ देने कांग्रेस थी है तो हमने न तो लाले दुश्मनी न अनुरुद्ध दुश्मनी न हमने उससे मलिक दुश्मनी कौन सा है आज यू कांग्रेस हमें उसका जाऊंगा। यो रोड है मतलब बयानी पूछना मैं बड़ो टाइम लगे करता, दो ढाई घंटा लगे करता। वह तो भैया ये भी करे ही भी लागू कोई बैल का नहीं जा, तू दौड़ा जाग कौन बन रही हो भी उड़े अटक जाओ जो जागी बैल ते चल लगी नुसरे तो तुम्हें टाइम लगाओ। यो ईब किस तरह बने हो किस तरह के ध्यान में ये तो पहले का ठेका उठ रहा था, यो ईब किरण ने थोड़ी कराया है मतलब बीजेपी नहीं रोड बनाया बताओ तो हमें देखो ये बार चल गई दस टंग पे फुट गयो उल्टो है फुट गयो। बीजेपी तो नाराजगी नहीं लेकिन मैडम तो नाराजगी हो रही ना भाई ज्यादा तो बीजेपी से थोड़े ना इतनी नाराजगी ज्यादा तो मैडम तो हो रही है। कल का कैंडिडेट आए तो मारो बीजेपी थे वह बीजेपी उसने टिकट दे दे तो हम भी बीजेपी का दे दें लेकिन मैडम ने कोई ना दोनों बड़े बात कर गया दोनों को कांग्रेस का था कांग्रेस का मार ना मिलेगी ना तो शायद सोचना भाई वो हो जाए शशि पवार अगर टिकट लेगी आज है बीजेपी दे तो हम उसके साथ खास वजह यह है कि किरण चौधरी ने छोड़ के किसे ने भी वोट दे दो किसे ने काला चोर आ जाओ लेकिन किरण ने कुंडा किरण ने कुंडा। भाई देखो इससे अलकम में एक चीज तो देखने ने मिली जरूर है कि भाई काफी लोग ये सोचते होंगे कि भाई जहाँ जाते हैं आप लोग कैसा रोष प्रदर्शन इस हलके के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप लोग भी अपने एरिया के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। हाँ खपड़वास गांव था। खपड़वास गांव में माहौल अगर आप बात करें आपकी बार चुनावी माहौल को लेकर के किस चीज की ज्यादा चर्चा चल रही है? कांग्रेस की से पूरी है। कांग्रेस की? हाँ बीजेपी को एक वोट को सारा कांग्रेस का भाई। तो टिकट के ऊपर बात करें आप तो कौन सा कैंडिडेट आपको ये लगा की योट आ जा? देखो मैदान में सारे हैं। सब तो पहली बात तो कांग्रेस तो कोशिश जी और अनित मल्लिक आओगे सब तो ज्यादा वोट लीजिए। हाँ तो अनिता मलिक को कुछ खास रिस्पांस जिस वजह से आप इसका लगाओ बढ़िया हमारा काम तो भाई एक एक आदमी ने नया आदमी में जाना है भाई हमारा का। अच्छा हाँ कोई बनाओ आओ भी कोई कारण हो चाहे प्रोग्राम हो चाहे कोई भी आ जाओ एक मिनट में भाजी आओ भाई। हाँ तो अगर मान लीजिए अनिता मलिक कांग्रेस पार्टी के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़े तो क्या माहौल बनेगा? भाई निर्दलीय लड़े कौन बार लड़े कौन मारा सीधा संप्रक्ष कांग्रेस है एक मिलेगी सारा माली मिलेगी सारा काम करेंगे सारा। अच्छा ईब मतलब अलग अलग हो रहे हैं सारा ना ईब तो अलग अलग कौन बाट देखा कौन से मिला कौन से मिला टिकट मिल जाए। हाँ किरण ने तय दूर क्यों बाजे हैं लोग और इसके रहने भावना बोलने लग रही है ये चुनाव का टाइम है लोग अब की बार आईना दिखाने के लिए तैयार है इस हलके के अंदर ज्यादा कुछ आप लोग देख रहे हैं हर वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद जय भारत।